हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। गाइस, कल बजट आने वाला है। हम बजट के ऊपर स्पेशल एक एनालिसिस करेंगे और हम निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखेंगे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो गाइस, निफ्टी पे हम रिसेंटली जो बात कर रहे थे कि जो रेंज बनी हुई है उसका ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा, तो वो ब्रेकडाउन होता हुआ हमें देखने मिला। और ब्रेकडाउन के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड मूव दिखाया टॉप से, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल टॉप से रिजेक्शन लेकर 18,200 से बिल्कुल 17,400 तक के लेवल हमें एग्जैक्ट इसने दिखाया। 18,400 के आसपास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये गैप पेंडिंग है 18,300 का। तो अभी इसने सपोर्ट का काम करा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कल एक बाइंग देखने मिली थी, आज ही मार्केट वॉलेटाइल था, गैप अप खुला नीचे गया, बट अगर आप ध्यान से देखो तो बॉटम से एक लोअर टेल रिजेक्शन का पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में बॉटम से 2 दिन बाई हो रही है। मार्केट ने अपना 18,500 के आस 17,000 सॉरी 17,500 के आसपास का जो लो है उसको संभाल के रखा, मार्केट उसके नीचे जा नहीं रहा, इमीडिएट एक काफी अच्छा रिवर्सल आ रहा है इंट्राडे में। तो अभी एक बात क्लियर है कि मार्केट ने शायद जो इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया है पहले, अभी अब इसका रिटेस्ट होगा। रीटेस्ट होने के बाद ये नीचे आता है एक सिनेरियो बनेगा, यहाँ से ऊपर जाता है ये दूसरा सिनेरियो बनेगा। अगर यहाँ होल्ड करता है 17,800 के पास 1-2 दिन, या कल बजट में कुछ बहुत स्पेशल है, कुछ बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाता है तो एक अच्छी बात है। बट अगर ये रीटेस्ट करके नीचे आता है तो फिर हमें और डाउनफॉल शार्प देखने मिल सकता है। और नीचे के टारगेट में आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप 200 मूविंग एवरेज लगाओगे तो नीचे 17,300 के आसपास 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर ये इस रेंज का रिटेस्ट करके वापस नीचे आता है तो हमें एक रिटेस्ट देखने मिल सकता है 200 मूविंग एवरेज का डेली टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ से हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिले, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड मार्केट है अगर आप टॉप से देखो तो हो सकता है एक थोड़ा पुल बैक या ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझा दिया है, मैं आपको 15 पे लेके चलूंगा गाइस। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है। और गाइस, कल बजट है तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि लास्ट 2-3 बार के बजट में क्या हुआ है कि मार्केट पहले सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक साइडवेज रहता है, फिर जिस भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है वो ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, और जिस डायरेक्शन में क्लोज कर देता है जनरली मार्केट उसी डायरेक्शन में अगले मंथ या कुछ एक ट्रेंडिंग मूव हमें 1-2 वीक्स का देखने मिल सकता है। तो क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है और थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, बॉटम से अच्छा सपोर्ट आ रहा है, कल कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है बजट या इंडियन मार्केट के लिए, बजट बहुत अच्छा आता है तो हमें एक साइडवेज मार्केट हो सकता है कल देखने मिले। बट अगर सेकंड हाफ में जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देगा उस डायरेक्शन में एक बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी ट्रेड कर रहे हो 11-12 बजे के बाद अगर कोई मोमेंटम मिल रहा है, दिन का हाई या लो या कोई रेंज ब्रेक हो रही है तो उसको ट्रेड करें, काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बाकी गाइज, आप अपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे या जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ उस पर भी ट्रेड करोगे तो नॉर्मल बात वही होती है कि लेवल्स तो यही है, बजट है तो लेवल्स तो चेंज होंगे नहीं। तो हो सकता है कि जब अगर तोड़े तो यही लेवल टूटेगा, नॉर्मल दिन भी टूटेगा तो 17,800 का लेवल यही रहेगा, तो बात वो नहीं है। बस आपको प्राइस एक्शन को बिहेव कर देखना है कैसा बिहेव कर रहा है, जहाँ कुछ अच्छा सेटअप मिले वहां पर उसको ट्रेड करें। तो अगर आप देखो गाइज तो 17,700 या 17,680 का एक रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, जो मार्केट 2-3 बार ट्राई नहीं कर पा रहा था, और मार्केट ने नीचे एक फेक ब्रेकडाउन दिया था 17,400 के आसपास, वहां से हमें 2 बार एक बहुत शार्प रिकवरी देखने मिली है। तो ये तो क्लियर है कि एक अच्छी खासी रेंज बन गई है कि ये ऊपर वहां पर तो ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। अभी 2 दिन से मार्केट साइडवेज था, और एक बहुत अच्छी बात अगर आप आज देखो तो मार्केट ने अपनी रेंज ऊपर के साइड शिफ्ट कर ली। आज मार्केट गैप अप खुला, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी 17,680 का, बट इमीडिएट एक शार्प सेलअप देखने मिला, फिर मार्केट दिन भर स्लो एंड स्टेडी इसी रेंज में मूव करता रहा। अगर आप इस प्राइस एक्शन ध्यान से देखोगे गाइस तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्म कर रहा है, कर दिया है, मतलब रेजिस्टेंस है ऊपर, नीचे से ट्रेंड लाइन का अच्छा सपोर्ट है, तो ये एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल है। तो अब अगर ये कंटिन्यूशन में कल ऊपर निकलता है बजट के कारण या किसी भी न्यूज के कारण, तो एक बड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट और हमें प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बाय था फिर असेंडिंग ट्रायंगल बना के ऊपर निकला है तो एक ट्रेंड का कंटिन्यूशन होगा। और अगर ये नीचे आता है तो भी हमें शार्प डाउनफॉल देखने मिल सकता है। पहले तो हमारा 17,440 के आसपास का टारगेट होगा, बट क्योंकि कुछ अगर गलत न्यूज आई या मार्केट को बजट पसंद नहीं आया तो और तेजी से मार्केट नीचे करेक्ट हो सकता है। तो अभी तो ये प्राइस एक्शन है, आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,680, 3-4 बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर जैसे ही कल मार्केट फ्लैट खोल के 17,700 को क्रॉस करेगा, हम बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं अच्छा 17,800 तक, 17,800 पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की बात अगर आप गाइस करो तो 17,620 पे मार्केट ने आज एक स्विंग लगाया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन और स्विंग दोनों ब्रेक होते हैं तो आप फिर इसको शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट हमारा 17,560 होगा, जहाँ से मार्केट ने आज सुबह के फॉल के बाद ब्रेक लिया था। 17,560 ब्रेक होता है तो हमें 17,440 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम भी बाय करा था। तो मैंने आपको निफ्टी का बहुत अच्छा लेवल और लॉजिक दे दिया एक्सपायर कल के लिए। अपन गाइस बैंक निफ्टी पे चलते हैं। गाइस बैंक निफ्टी का क्या खेल है कि बैंक निफ्टी में भी वही जो बहुत टाइम से साइडवेज ट्रेंड मार्केट हमें देखने मिल रहा था, कोई
खास मोमेंटम नहीं था, बट बैंक निफ्टी ने एक समहाउ लेवल के ऊपर 2 दिन क्लोज करा, फिर बहुत शार्प डाउनफॉल हमें देखने पड़ा, जो भी न्यूज अडानी एंड ऑल का जो भी इशू था, बट चार्ट पे हमें ब्रेकडाउन देखने मिला। तो अब हमारा क्या लॉजिक कहता है, ये 17,41,000 के आसपास का लेवल है, 41,700 के आसपास का, इसका हमें ब्रेकडाउन देखने मिला, ये जोन टाइप का था एक पूरा, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अभी एक गैप बना के मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा है, तो अब क्योंकि मार्केट पे आप देखो कि बैंक निफ्टी ने 2 दिन अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाया है, लोअर विक रिजेक्शन से बाय आ रहा है, और अगर आप ध्यान से एक और चीज देखो तो दिन का हाई अभी भी दोनों दिन का सेम है, तो एक एडवांस टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल पैटर्न है, बिल्कुल क्लीन नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो हाई ऑलमोस्ट सेम है और अंदर की कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल है। तो अगर इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट आता है तो हमें हो सकता है इस लेवल का और इस गैप पेंडिंग ट्रेड है जो हमारी ये मिल जाए, और हमें इसका यहाँ पे 41,750 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर रिट्रेस होकर नीचे आता है तो बात अलग है, ऊपर जाता है तो अलग अलग सिनेरियो बन जाएगा। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया, बट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि थोड़ा और नीचे जाए, ये एटलीस्ट एक पुल बैक ले, इस लेवल का रिटेस्ट करे, फिर नीचे जाए, तो फिर एक प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट का कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा के और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप बात करो 15 मिनट पे गाइस, तो 15 मिनट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस इसने भी काफी अच्छा ट्रेंगल पैटर्न बना रखा है, और अगर आप इस चीज को और ध्यान से देखो तो इस पे एक जोन था जो मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 40,800 से 40,700 का 100 पॉइंट की रेंज है, बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर परसों भी रेजिस्टेंस लिया, आज ही मार्केट खुला रेंज के नीचे, इमीडिएट सेल ऑफ देखा, बट मार्केट ने इसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के एक काइंड ऑफ उसी रेंज में ऊपर हायर रेंज शिफ्ट करते हुए अपने को क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग अच्छी है हालांकि, बट इसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है। तो अच्छी बात यह कि अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है हमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा, नीचे अगर ये टूटता है तो हमें बड़ा शार्प फॉल देखने मिल सकता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन के लेवल्स की बात करो गाइस, तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना है इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है आप देख सकते हो क्लियरली। तो अगर 40,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें बड़ा अपसाइड मोमेंटम ट्रेंडिंग देखने मिल सकता है, और अगर 40,500 जहाँ पे मार्केट ने आज दोपहर को एक सपोर्ट लिया था, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेकडाउन होगी ये वाली, और फिर यहाँ से हमें शार्प फॉल देखने मिल सकता है 40,200 तक, और अगर 40,200 नहीं टूटता तो फिर गाइस मार्केट के बीच में कुछ खास स्पेस नहीं है, सीधे 39,500 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेवल बता दिया, मैंने बजट भी बता दिया कैसे ट्रेड आप कर सकते हो। गाइस आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू गाइस।